ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, डायबिटिक डाइट, जिसे क्या बोलते हैं, डायबिटिक फूड। क्लास आप लोगों को सीन हो रहा है स्क्रीन पे? यस मैम, यस मैम। ओके ओके ओके, इंट्रोडक्शन देखिए क्या है इसमें, डायबिटिक डाइट क्यों, इंट्रोडक्शन के डायबिटिक डाइट किन पेशेंट्स को देते हैं और क्यों देते हैं और उसके क्या 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 उसके क्या मिलते हैं, फायदे मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इंट्रोडक्शन। बॉडी सेल्स रिक्वायर ग्लूकोज एज अ फ्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, बॉडी सेल्स क्या है, क्या रिक्वायर करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, एज अ फ्यूल, जैसे किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की नीड होती है, एज इट इज बॉडी को चलाने के लिए क्या है, एनर्जी की नीड होती है। और वो एनर्जी एनर्जी किस चीज से मिलती है हमें, ग्लूकोज से मिलती है। बॉडी सेल्स रिक्वायर ग्लूकोज एज अ फ्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, तो बॉडी सेल्स क्या रिक्वायर करता है, ग्लूकोज रिक्वायर करता है, जिससे कि क्या हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट है, आफ्टर डाइजेशन फूड चेंजेस टू ग्लूकोज। ठीक है, जब डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन के बाद में फूड क्या है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज थ्रू ब्लड रीचेस टू सेल। ठीक है, फिर ग्लूकोज क्या है, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच गया, सेल्स तक पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, इंसुलिन अ हार्मोन। इंसुलिन क्या है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन है, इज अ की विच मेक्स द बॉडी सेल डोर टू अलाउ ग्लूकोज टू एंटर। ठीक है, जैसे हमारा जो घर का दरवाजा है वो क्या करता है, कोई भी अगर अंदर आए तो उसके लिए क्या है, हमने अपना क्या बनाया है, सबके घर में क्या है, डोर है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन है, ये क्या करता है, बॉडी सेल्स में ग्लूकोज एंटर करने करवाने के लिए क्या है, एक डोर का काम करता है। ठीक है, कि कितना ग्लूकोज जाना है सेल्स में और कितना ग्लूकोज नहीं जाना है। ठीक है, फिर क्या है, इन एब्सेंस ऑफ इनफ इंसुलिन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस। ठीक है, अगर क्या है, इंसुलिन इनफ अमाउंट में नहीं है, ठीक है, इंसुलिन क्या है, इनफ अमाउंट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उससे ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, हेल्थ इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, मींस डायबिटीज के क्या क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, इट मे कॉज ब्लाइंडनेस, क्या है ये, कई बार ब्लाइंडनेस को ब्लाइंडनेस हो जाएगा इससे। फिर क्या है, ब्लर्ड विजन, जो विजन है हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ब्लरी हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन भी क्या हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी। ठीक है, फिर है फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेन हैमरेज, ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं, और फूट प्रॉब्लम यानी कि गैंग्रीन जिसे कहते हैं। गैंग्रीन में क्या होता है कि फुट प्रॉब्लम, गैंग्रीन जो है क्या है, फुट में हो रहा है और उसमें क्या है, फुट के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, इसकी प्रॉपर डाइट देनी है, एक्सरसाइज है और रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मेडिकेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है और मेडिकेशन क्या है देनी है। डाइटरी गाइडलाइंस क्या है डायबिटीज में, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, बॉडी वेट को क्या करना है, मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू BMI। ठीक है, बॉडी इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या है, हमें बॉडी वेट को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। चूज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हमें हार्ड का वो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करने हैं, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूज करने हैं। ठीक है, टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट ओनली। एंड नेक्स्ट है प्रोटीन फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्सेज, प्रोटीन कहाँ से लेनी है, ओनली वेजिटेरियन सोर्सेज, वेजिटेरियन सोर्सेज में आप प्रोटीन कहाँ से ले सकते हो बच्चों, प्रोटीन कहाँ से कंज्यूम कर सकते हो आप वेजिटेरियन सोर्सेज के थ्रू। आप डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हो और
दालों वगैरह में प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है, वो ले सकते हो. फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन फैट एंड ऑयल्स, फैट एंड ऑयल्स पे क्या लगा देंगे, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उन्हें. फिर क्या है, इंक्रीज फाइबर इन डाइट सैलेड. डाइट सैलेड में क्या करना है, फाइबर को इंक्रीज करना है, ठीक है. फिर क्या है, फिक्स्ड मील टाइमिंग, जो मील टाइमिंग है उसको क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है, ठीक है. ये नहीं है किसी भी टाइम पे आप डायबिटिक पेशेंट को खाने के लिए दे रहे हो, नहीं, आपको क्या है उसकी टाइमिंग को फिक्स रखना है, ठीक है. फिर क्या है, अवॉइड स्किपिंग, अवॉइड स्किपिंग और फास्टिंग, ठीक है. क्या ब्रेकफास्ट को कभी आप स्किप नहीं करना, ठीक है, आपको फूड को स्किप नहीं करना है, किसी भी टाइमिंग के फूड को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है. और फास्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि जब आप रेगुलर आप मेडिकेशन डायबिटिक पेशेंट क्या है, रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं, ठीक है, इंसुलिन इंसुलिन को बढ़ाने के लिए. बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है तभी ग्लूकोज लेवल क्या होता है, डाउन होता है. तो ऐसे में क्या होता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर खाना आपने नहीं खाया, फूड कंज्यूम नहीं करा है, तो इंसुलिन की हाई डोज हो जाएगी और ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, वो भी बॉडी के लिए क्या है, बिल्कुल सही नहीं है. तो इसलिए क्या है, बिल्कुल भी हमें क्या है, फूड को और किसी भी टाइम के फूड को अवॉइड नहीं करना है, और फास्टिंग को अवॉइड नहीं करना, फास्टिंग को तो अवॉइड करना है, ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देखिए, गो फॉर स्मॉलर मील्स, ठीक है. स्मॉलर मील्स देनी है, ऐसा नहीं है बहुत सारा खाना एक बार में देना है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में क्या देना है, मील देना है, ठीक है. फिर क्या है, फूड्स अलाउड फ्रीली, ठीक है. अब इसमें बताया गया है कि डायबिटिक डाइट में कौन कौन से फूड्स क्या है, फ्रीली अलाउड है, कि आप उन्हें ले सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स तो लेनी है, हाई फाइबर फूड लाइक ओट्स, व्हीट एंड ग्रेन, ठीक है. तो इसको क्या करना है, हाई फाइबर फूड को भी इंक्लूड करना है, स्पाइसेस, ठीक है, बटर मिल्क, लेमन और ब्लैक कॉफी एंड टी विदाउट शुगर, ये सारी चीजें क्या है, अपने फूड में अलाउड करनी है फ्रीली, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नेक्स्ट है, फूड्स अलाउड मॉडरेटली. मॉडरेटली का मतलब है कि आप इन्हें कभी कभी ले सकते हो और कभी कभी नहीं ले सकते, या तो अपने जो फूड्स का जो अमाउंट है उसमें आप इसको बहुत थोड़ा अमाउंट में रख सकते हो, लाइक सीरियल्स, पल्सेस, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है. तो ये क्या है, मॉडरेटली. मॉडरेटली मतलब या तो इसको बहुत स्मॉल अमाउंट में रखना है या तो फिर इसको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, क्लियर. यस मैम, ओके, यस मैम, फिर देखिए, ठीक है, फिर देखिए क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, सॉरी, देखिए क्या है इसमें, मिल्क प्रोडक्ट्स, स्किम्ड मिल्क, इसको भी क्या है, मॉडरेटली यूज करना है, और एग्स को भी क्या है, मॉडरेटली यूज करना है. फूड शुड अवॉइडेड, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि क्या है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे स्वीट, शुगर, हनी, जैम, जेली, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक, स्वीटेंड जूसेस, अल्कोहल बिवरेजेस, फ्राइड फूड्स, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, चीकू, ड्राई फ्रूट्स, इन्हें क्या करना है, डाइट में से बिल्कुल अवॉइड कर देना है, ठीक है. फिर क्या है, स्पेशली बेनिफिशियल फूड स्टफ. स्पेशली बेनिफिशियल फूड स्टफ का मतलब है कि कुछ स्पेशल फूड्स होते हैं जो कि डायबिटीज में क्या है, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बिटर गार्ड. बिटर गार्ड क्या है, करेला, ठीक है. आप लोगों ने वैसे भी नॉर्मली सुना ही होगा कि
डायबिटिक पेशेंट को क्या है, करेले का जूस पीना चाहिए. ठीक है, करेले का जूस पीने से क्या होगा, उनका जो शुगर लेवल बॉडी में, जो ब्लड में जो उनका शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा. क्लियर? यस यस मैम. मैम. ठीक है, फिर देखिए क्या है, फेन्युग्रीक सीड्स. क्या है, देखिए फेन्युग्रीक सीड्स जिसे क्या बोलते हैं, मेथी दाना. ठीक है, ये बहुत क्या है, बेनिफिशियल है इन किस केस में, डायबिटिक पेशेंट के लिए. फिर आंवला, जामुन और रागी. ठीक है, तो ये फूड्स ऐसे हैं कि जो ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, डायबिटिक डाइट क्लियर हुई? यस मैम. यस मैम. ओके. मैम यस. मैम रागी क्या होता है? रागी, रागी आप उनको बोल सकते हो लाइक मेथी दाना टाइप्स, उसी का एक वो है, ये सब्स्टिट्यूट है रागी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैंड डाइट. नेक्स्ट क्या है, देखिए ब्लैंड डाइट. सो ब्लैंड डाइट इज अ डाइट और फूड दैट आर जनरली सॉफ्ट, लो इन डाइटरी फाइबर, कुक्ड रेदर देन रॉ एंड नॉट स्पाइसी. ठीक है, तो ब्लाइंड डाइट कैसी डाइट होती है, जो कि क्या हो, सॉफ्ट डाइट हो. ठीक है, जनरली क्या, मैम आपका माइक म्यूट हो रहा है. ओ सॉरी सॉरी. ओके, सो ब्लेंड डाइट इज अ डाइट और फूड दैट आर जनरली सॉफ्ट, लो इन डाइटरी फाइबर. क्या है ये, डाइटरी फाइबर में क्या होना, क्या होती है ब्लेंड डाइट, रिच होती है. ठीक है, और कुक्ड रेदर देन रॉ. क्या है,
कुक्ड होगी रेदर देन रो. कच्चा मटेरियल नहीं होगा, ब्लेंड डाइट में कुक्ड मटेरियल होता है एंड नॉट स्पाइसी. और क्या है, स्पाइसी भी नहीं होगी. फ्राइड एंड फैटी फूड्स, स्ट्रॉन्ग चीज, होल ग्रेन्स एंड द मेडिकेशन एस्पिरिन एंड द आइब्रूफिन आर आल्सो अवॉइडेड व्हाइल ऑन दिस डाइट. ठीक है, जो पेशेंट ब्लेंड डाइट पे होते हैं उनसे क्या है, फ्राइड फैटी फूड्स, स्ट्रॉन्ग चीज, होल ग्रेन और मेडिकेशन एस्पिरिन एंड आइब्रूफिन को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है व्हाइल ऑन दिस डाइट. सच अ डाइट इज कॉल्ड ब्लेंड because it is soothing to the digestive tract. ये क्या है, digestive tract को क्या दे रही है, ये simply ये उसको relax कर रही है. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, bland diet बोलते हैं. फिर इसके indications देखिए bland diet के, कि मतलब किस किस type के patients को क्या है bland diet provide की जाती है. जैसे stomach और intestinal surge क्या है, कोई भी stomach और intestinal कोई भी problem है अगर patient को, फिर क्या है ulcer diseases हैं, फिर heartburn है, नोजिया वॉमिटिंग है, गैस है और फ्लैचुलेंस है, गैस्ट्राइटिस है और डिस्पेजिया है. तो ऐसे पेशेंट्स में क्या, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ हाइटस हर्निया. अगर हाइटस हर्निया है पेशेंट्स को तो उसके ट्रीटमेंट में भी क्या दी जाती है, क्या दी जाती है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, ब्लेंड डाइट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स मॉडिफाइड. ठीक है, इसके लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स को मॉडिफाइड किया जाता है, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल ऑन द ब्लाइंड डाइट. टेक्सचर इज मॉडिफाइड बाय ऑफरिंग आइटम्स दैट आर इजीली डाइजेस्टेड, मॉडरेटली लो इन रफेज एंड वेरी माइल्ड सीजनल प्रोडक्ट. ठीक है, सो इसमें क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं. ठीक है, ब्लेंड डाइट में टेक्सचर थोड़ा सा इसका क्या है, टेक्सचर को मॉडिफाइड कर देते हैं. जैसे कि वो आइटम जो कि डाइजेस्टेड, इजीली डाइजेस्टेबल हो, मॉडरेटली लो इन रफेज. रफेज वाले जो थिंग्स है, रफ रफ थिंग्स को क्या कर देना है, इसमें मॉडरेट कर देना है, कम कर देना है. एंड वेरी माइल्ड सीजनल प्रोडक्ट. ठीक है, और वेरी जो माइल्ड सीजनल प्रोडक्ट है उनको इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है. फिर क्या है, टेंडर फूड्स आर यूज्ड सच एज कुक्ड वेजिटेबल्स. कुक्ड वेजिटेबल्स को इसमें इंक्लूड करना है, कैंड फ्रूट्स एंड रिफाइंड ब्रेड एंड सीरियल्स को इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है. नेक्स्ट है फ्राइड फूड्स एंड हाईली सीजनल फूड्स. जैसे पेपर, कैफिनेटेड बीवरेजेस एंड एल्कोहल मे कॉज डिस्ट्रेस एंड therefore are eliminated. So fried foods, highly seasoned foods, paper, caffeinated beverages, alcohol, इन सबको क्या करना है, avoid करना है. फिर क्या है, food you can eat. आप कौन कौन सी चीजें आप इसमें include कर सकते हो blind diet में. Foods you can eat on a blind diet include milk and other dairy products जो कि क्या हो, low fat हो या तो फिर क्या हो, fat free हो. ठीक है, फिर क्या है देखिए, नेक्स्ट है कुक्ड केन कुक्ड केन और फ्रोजन वेजिटेबल्स. ठीक है, कुक्ड केन और फ्रोजन वेजिटेबल्स, पोटैटोज, इन्हें क्या करना है, डाइट में इंक्लूड करना है. केन फ्रूट एज वेल एज एप्पल सॉस, बनाना एंड मेलन्स को इंक्लूड करना है. फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस को इंक्लूड करना है. ब्रेड, क्रैकर्स एंड पास्ता मेड विद रिफाइंड विद फ्लोर.
ठीक है, रिफाइंड हॉट सीरियल सच एज क्रीम और वीट, ठीक है, लीन टेंडर मीट सच एज पोल्ट्री वाइट फिश, ठीक है, शेल फिश दैट आर स्टीम्स बेक्ड और ग्रिल्ड विद नो एडेड फैट, ठीक है. तो इसे क्या करना है, डाइट में इंक्लूड करना है, क्रीमी पीनट बटर, पुडिंग एंड कस्टर्ड, एग्स, सूप और स्पेशली बोथ, ठीक है. फिर क्या है, वीट टी, इस इन सबको क्या करना है, डाइट में इंक्लूड करना है. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट है फूड्स टू अवॉइड, ठीक है. ब्लेंड डाइट में से कौन क्या क्या फूड्स को क्या करना है, अवॉइड करना है. सो सम फूड्स यू मे वांट टू अवॉइड व्हेन यू आर ऑन ब्लेंड डाइट आर जैसे फैटी डेयरी प्रोडक्ट सच एज व्हाइट क्रीम और हाई फैट आइसक्रीम, स्ट्रॉन्ग चीज सच एज ब्लू और रिक्वर फोर्ड चीज, ठीक है. फिर क्या है, रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलड्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन और ब्रेन सीरियल्स, पिकल एंड अदर फर्मेंटेटेड फूड्स, फूड्स विद अ लॉट ऑफ शुगर इन देम, सीड्स एंड नट्स, हाईली सीजन्ड कर्ड और स्मोक्ड मीट्स एंड फिश. तो ये सारे फूड्स क्या है, ब्लेंड डाइट में क्या नहीं करने चाहिए, इंक्लूड नहीं करने चाहिए, और इन्हें क्या करना है, अवॉइड करना है. ओके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है टफ फाइबरस मीट्स, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा फाइबरस मीट्स को, फ्राइड फूड्स को, अल्कोहल बीवरेजेस एंड ड्रिंक्स विद कैफीन इन देम, इन सबको क्या करना है, अवॉइड करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? यस मैम. आपने आज क्या पढ़ा, डायबिटिक डाइट पढ़ी और ब्लेंड डाइट पढ़ी. सो आपने दोनों डाइट्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछो जल्दी. Oh, ma'am.